दोस्तों एक शिप था एमवी रोजस जो 2750 टन एमोनियम नाइट्रेट लेकर जॉर्जिया से मोजेम्बिक क्यों जा रहा था, लेकिन बीच में इंजन में कोई खराबी आने की वजह से उसे लेबनन में ही रुकना पड़ा। अब लेबनन पोर्ट अथॉरिटी ने जब इस शिप में पड़े सामान का इंस्पेक्शन किया तो इसे अनफिट फॉर सेलिंग घोषित कर दिया, जिस वजह से कई महीनों तक ये शिप लेबनन में ही खड़ा रहा। अब इसके कुछ टाइम बाद जो शिप की ओनर कंपनी थी वो डिफॉल्ट हो गई, जिस वजह से ना तो कभी कोई शिप लेने आया और ना ही कभी कोई उसमें पड़ा सामान। टाइम के साथ साथ शिप की हालत खराब होने लगी और एक दिन वो शिप डूबने लगा, जिसे देखकर लेबनन अथॉरिटी ने उसमें पड़े सामान को उतार कर पास के एक वेयरहाउस में रख दिया। ऐसा करके 6 साल बीत गए और एक दिन वेयरहाउस में आग लगी, जिसमें पूरा 2750 टन एक्सप्लोजिव एक साथ ब्लास्ट हो गया। अब ये ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि इसने 3.3 मैग्नीट्यूड तक का अर्थक्वेक ला दिया पूरे लेबनन में और 250 किलोमीटर दूर साइप्रस तक इसके झटकों को महसूस किया गया। इस एक्सप्लोजन को आज तक का मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा जाता है, जिसमें लगभग 218 लोगों की जान गई।